यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा दिया, मैं इसे खोल लेता हूँ और मोबाइल को सेट करके देखते हैं। हम यहाँ पे मोबाइल को रख देंगे, अब क्या करेंगे इसे टाइट करेंगे, ये जो बोल्ट लगा हुआ इसे टाइट कर देंगे ताकि मोबाइल गिरे नहीं। हमारा मोबाइल फिटिंग हो चुका है, अब इसका मोबाइल चार्जर चेक कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज, होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। आज मेरे पास हीरो की HF डीलक्स बाइक है और इस बाइक में लगाने वाले मोबाइल होल्डर जो HJG कंपनी का मोबाइल होल्डर है, काफ़ी बढ़िया फ़ोन होल्डर है ये। और ये रहा इसका होल्डर, मैं पहले आप लोगों को होल्डर दिखा देता हूँ। इसमें हमारा मोबाइल फंसता है और दूसरा चीज़ इसमें ये है कि इसमें चार्जर भी है, चार्जर के साथ आप कहीं भी जा रहे हो मोबाइल चार्ज कर सकते हो इसमें से। देखो ये कुछ इस तरीके का मोबाइल होल्डर रहने वाला है, मोबाइल होल्डर। और ये है चार्जर की वायर है, तो चार्जर की वायरिंग कैसे करना है वो भी बताऊंगा और इसे फिटिंग कैसे करना है। यहाँ पे हम डाटा केबल लगा सकते हैं, डाटा केबल साथ में नहीं आएगी और ये पूरा माउंट है, तो चलो इसे हम लगाते हैं। यहाँ पे दो लंग की बोल्ट है, दो लंग की बोल्ट को पहले खोल लेंगे क्योंकि ये चीज़ हमको लगाना है हैंडल पे और हैंडल पे ही लगता है मोबाइल होल्डर। तो चलो ये दो लंग की को खोल लेते हैं और लगाना कैसे है वो आप लोगों को बता देते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट्स था वो अलग कर दिया, अब ये रहा मोबाइल होल्डर और इसे हमको यहाँ पर सेट करना है राइट साइड पे सेट करेंगे। ये घूम जाता है, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा ये कैसे घूमता है, पहले मैं इसे यहाँ पे लगा के और पीछे की तरफ से टाइट कर देंगे एलंग की बोल्ट को। तो चलो एलंग की बोल्ट को यहाँ पे फंसाते हैं दोनों और इन्हें टाइट कर लेते हैं। अभी मैंने एलंग की बोल्ट दोनों टाइट कर दिया और मोबाइल होल्डर कुछ इस तरीके से हमारा लग रहा है, देखो ये। अब मैं इसे लेफ्ट राइट जैसा चाहो वैसे घुमा सकते हो। पहले मैं चार्जर की वायरिंग आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हमने कपलर निकाला है आगे की तरफ, इसका जो वाइजर है वाइजर खोलना पड़ा क्योंकि इसका जो कनेक्शन करना है चार्जर का वो करना है चाबी पे। अगर हम डायरेक्ट बैटरी पे करेंगे तो कंटिन्यू चार्जर चालू रहने की वजह से चार्जर खराब हो जाएगा। अभी मैंने इसकी सॉकेट को काट दिया था, जो चार्जर से सॉकेट आई थी वो सॉकेट को काट के वायर को छील लिया है। अब ये जो वायर मैं निकाला हूँ कपलर, ये है चाबी स्विच का कपलर। अब इसमें वायरिंग समझना है आप लोगों को, देखो ये कपलर निकाल लें और जो रेड वाली वायर है, रेड वाली वायर जो चार्जर से आई है उसको लगाना ब्लैक और रेड में। एक रेड वाली जो वायर है वो ब्लैक और रेड में लगा दिया है जो चाबी स्विच की वायर आई है। अब मैं इस कपलर को लगा लेता हूँ, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, वायर को पकड़ के रखेंगे और कपलर को अटैच कर देंगे। रेड वाली वायर को रेड और ब्लैक में लगाना जो चाबी स्विच की वायर आई हुई है उसमें लगाना, और ये जो अर्थ वाली है चार्जर की इसे लगाना है हमको। यहाँ पे देख लेते कोई अर्थ वायर है या नहीं, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा अर्थ वायर यहाँ पे नहीं, चलो इंडिकेटर की वायर में लगा देंगे, छोड़ो इंडिकेटर की वायर देखते हैं। इंडिकेटर की जो अर्थ है हरी कलर की वायर उसमें लगा देंगे, ब्लैक ये वाली वायर यहाँ पे हम क्या करेंगे अर्थ वाली निकालेंगे। ये देखो हरी वाली जो वायर उसे निकालना है और उसमें ब्लैक वाली चार्जर की जो हमने वायर लगाई वो लगा देना है। तब कनेक्शन हो गया, कनेक्शन आप लोग एक बार समझ लो, इसका जो कनेक्शन मैंने किया चाबी स्विच पे किया है, तो चाबी स्विच की जो यहाँ पे वायर देखो, चाबी स्विच की ये कपलर है और इस कपलर में रेड और ब्लैक वायर जो दिख रही है इसे में लगाना, वायरिंग को काटना नहीं है, जिस तरीके से मैंने लगाया वैसे ही लगाना है। और जो दूसरी ब्लैक वायर थी वो मैंने इंडिकेटर की अर्थ में दे दिया है। ये काम होगा चाबी को जैसे ही हम ऑन करेंगे हमारा चार्जर चालू हो जाएगा। चलो चार्जर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डाटा केबल लगाते हैं कुछ इस तरीके से, ये डाटा केबल लग चुकी है। अब मोबाइल में लगा के चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो वाइजर वगैरह वो फिटिंग कर लेते हैं। तो चाबी को ऑन कर लेते हैं, चाबी ऑन हो गई, अब चेक करते हैं इसका जो मोबाइल लेते हैं कोई सा, मोबाइल में लगा के चेक कर लेते हैं। ये मैंने चाबी ऑन किया और मोबाइल ये देखो चार्ज होने लगा, ये देखो होने लगा चार्ज, सही है हो रहा है चार्ज। इसे एक बार वापस से हम बंद करके देख लेते हैं, चार्जिंग हो रही है, ये देखो हो रही है चार्जिंग, चार्जिंग भी हो रही है और जो होल्डर है वो भी फिट हो गया। बाकी इसे बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, एक बार लॉक करते हैं और चाबी को ऑन करके देख लेते हैं। चाबी को ऑन किया और ये देखो चार्जिंग होने लगी। ये वाला काफ़ी बढ़िया रहता है, आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहे हो तो चार्ज कर सकते हो अपना मोबाइल। तो ये होल्डर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया,
बाकी चलो इसको पूरा फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को सारा कुछ समझाते हैं। मैंने इसका जो वाइजर है वाइजर फिटिंग कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब ये है मोबाइल, तो मोबाइल को स्टैंड में लगाना कैसे वो आप लोग जान लो। चलो मैं इसे यहाँ से डाटा केबल से निकाल लेता हूँ, बाहर करता हूँ। ये मोबाइल हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे खोल देते हैं। ये कुछ इस तरीके से सिंपल सा बिल्कुल होल्डर, इस तरीके से ये बोल्ड को लूज करोगे और जितना खोलना हो मोबाइल के हिसाब से उतना खोल लो। मोबाइल यहाँ पे सेट कर लो, ये इस तरीके से कर लेना, और उसके बाद ये जो बोल्ट है इसे वापस से हमको टाइट कर देना है। मोबाइल में अगर कवर रहेगा वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कवर वाला मोबाइल। चलो देख लेते हैं, आप लोगों को बता देते हैं। ये बोल्ट को टाइट कर लेना खूब अच्छे तरीके से। अब ये मोबाइल ना गिरने वाला है ना, कहीं नहीं गिरने वाला है, ये मजबूती से पकड़ लिया। अब इसे जैसे चाहो 360 या 16.9 जैसा चाहो वैसा कर सकते हो आप लोग। ये देखो लेफ्ट राइट ये पूरे में मतलब घूम जाता है। ये इसका जो होल्डर है, होल्डर देखो इस तरह, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। इसमें है वैसा सिस्टम है, आप जिधर चाहो मोबाइल को उधर घुमा सकते हो। बाकी इसका जो चार्जर है, ये रहा चार्जर का जो डाटा केबल है, लगा के देखते हैं। देखो चार्जिंग भी हो रही है, चाबी को बंद करेंगे, बंद हो गई। एक बार लॉक करते हैं, वापस से चाबी को ऑन करते हैं, ये देखो चार्जिंग होने लगी। तो चार्जिंग की भी समस्या दूर हो गई। आप जितना चाहो लॉन्ग ड्राइव कर सकते हो, चार्ज मोबाइल भी कर सकते हो। बाकी ये ज़्यादा, ये वाला जो होल्डर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यही वाला मैं बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत सारी बाइकों में भी लगाया है। बाकी चलो आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दी, तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लेना।